हेलो दोस्तों, फर्स्ट न्यूज एग्जाम आपके लिए राजस्थान वरिष्ठ कंप्यूटर 19 जून 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का हल लिख रहे हैं आपके लिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर के सारे क्वेश्चनों के हल बता रहा हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा कहां किया गया? तो राजभवन में किया गया। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तेजाजी को जाना जाता है। इनका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों में गुजरेगा? तो दोस्तों कौन से जिलों में गुजरेगा? बीकानेर, नागौर, जोधपुर। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारतीय एंड धोत पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसिसी ले कोज है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति जिला जिले में सुमेलित नहीं है? तो बाकर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, इनको सुमेलित करना है तो पाइराइड है, पाइराइड का हो जाएगा आपके तीसरा सलादीपुर। रॉक फॉस्फेट है तो रॉक फॉस्फेट का हो जाएगा बिरबानिया। और गार्नेट तांबड़ा है तो इसका हो जाएगा आपके राजमहल। और एमराल्ड पन्ना है, इसका हो जाएगा कलागुमान। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा आपके 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 तीसरे में, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राजस्थान के सभी पेपरों के हल करवाए जाते हैं आपके लिए। कौन सा कथन असत्य है? तो विशेष प्रकृति के कार्यक्रमों हेतु सामग्री लागत तथा परिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25:75 होगा, ये असत्य है। दोस्तों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? कॉर्निया भाग का उपयोग किया जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जोधपुर के जसवंत दड़ा का निर्माता कौन था? महाराणा सरदार सिंह है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शासकों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए कूट में। तो इसमें होगा पहले विग्रहराज चतुर्थ, दूसरे में हो जाएगा आपके पृथ्वीराज सेकंड, और फिर हो जाएगा सोमेश्वरनाथ, और लास्ट में हो जाएगा पृथ्वीराज पिथौरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3, 2, 4, 1 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो लांगूरिया गीत किस मेले का? केला देवी का मेले का है आकर्षण। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आसिर खां रुकुद्दीन चंदूलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से संबंधित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि विलास किसने लिखा? भगत राम ने लिखा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? टेलिस्को मार्कोनी, यह सुमेलित नहीं है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, पी सत्यनारायण राव समिति संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समिति ने किस विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, यह असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो जिप्सी फेरस बीकानेर में मिलती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, संयुक्त राष्ट्र यूएनए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 संस्करण 2 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो किस में किया? कोटा में किया। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत युग में है? अकलिया संप्रदाय, बिलाड़ा, जोधपुर, यही गलत है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोप्रीन रबड़ बहुलक है, नियोप्रीन रबड़ बहुलक क्या है? क्लोरोपीन। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रवार का वायुमंडल घने सफेद व पीले बादलों से बना है, जो बने हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के से बने हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम्स अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? विजय शर्मा को प्रदान किया गया। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। घंटियाला अभिलेख में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों में से असत्य है? यह अभिलेख 4 अभिलेखों का एक समूह है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यह असत्य है।
24वां क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु प्रदेश सुमेलित करना है तो कोपेन के जलवायु पहले का हो जाएगा बांसवाड़ा, दूसरे का हो जाएगा सिक्कर और BWSW का हो जाएगा आपके गंगानगर और CWG का हो जाएगा आपके धौलपुर। राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 और 3, तो 1, 4, 2 और 3 बी में है तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में अजमेर में प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था, तो समाचार पत्र का नाम था तरुण राजस्थान, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, फिर से सुमेलित करना है इसको, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर है, जोधपुर में है। अरबी फारसी शोध संस्थान तो वो है टोंक में। रविचंद्र मंच जो है जयपुर में और लास्ट बचा भारतीय लोक कला मंडल जो है उदयपुर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2, 4 किस में है, 3, 1, 2, 4 डी में है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सुमेलित करना अपन को, रघुनाथ चोटी जिसकी लंबाई कितनी है मीटर, रघुनाथ चोटी की लंबाई है आपके 1055 मीटर और दूसरा है शेर, तो शेर की लंबाई है आपके 1597 और डोरा पर्वत चोटी की लंबाई है आपके 870 और गोगुंदा की है 840, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तीसरे में है तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुराण स्थल किस काल से संबंधित है, तो बूढ़ा होलका पुराण स्थल किससे है, पूरा पाषाण काल से स्थित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWLIP का वित्तीय शोषण किस संस्थान द्वारा किया जाता रहा है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA द्वारा किया गया, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30वां, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन संधि किया गया, तो करौली के द्वारा किया गया, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विटामिन सी वर्णा दंता, ये पहला इस नहीं है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मोरचंग क्या है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो राजसमंद का है आपके 990, लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994 और पाली का है आपके 987 और बचा प्रतापगढ़ तो इसका आपके 983, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2 किसमें आपके तीसरे में है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपके, यह पोंग बाद जैसे प्रारंभ होती है तो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 1978 से 79 को किया गया, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं तो वो है हाइड्रोपोनिक्स, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, तो अग्नाशय कहलाती है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, गलत युग्म चुनिए, तो गलत युग्म को अपन को चुनना है, चांद बावड़ी दोसा सही है, हर्षनाथ की बावड़ी सिक्कर सही है, मदाकिनी बावड़ी अजमेर ये गलत है, रानी की बावड़ी बूंदी ये सही है, तो मदाकिनी की बावड़ी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म गलत युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहरी या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, तो शहरी या जनजाति द्वारा द्विचक्री नृत्य नहीं किया जाता, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राजावटी एक नागरचोली किस बोली की उपबोली है, तो ढूंढाड़ी की है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, रूमा देवी को बनाया गया, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, कल इसकी मैं आपके लिए कट ऑफ लेकर आऊँगा। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन को शमशाबाद एवं नूपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि दी गई, तो किसके द्वारा दी गई है,
बीकानेर राय सिंह के द्वारा दी गई है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिया शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की है, तो महीर भोज ने उपाधि धारण की है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आदिवरा की उपाधि। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, जयपुर शहर की स्थापना 1727 में, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पशु शुभकर्ण और जिला सुमेलित नहीं है, तो काला तीतर जुनूनू सही है, डेमोइसेल क्रेन जोधपुर सही है, चीतल हिरण जयपुर सही है, करब बिजू बांसवाड़ा ये गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है, नाक में करती है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस IAC का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है, तो उदयपुर में किया गया है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन, लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंध है, तो इसका राइट आंसर शेखावाटी ख्याल से है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है, एड्स की बीमारी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, तुलीजा भवानी मंदिर कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल इस पेपर की मैं आपके लिए कट ऑफ लेकर आऊंगा मॉर्निंग में, तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट न्यूज एग्जाम पर राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के पेपरों के हल करवाए जाते हैं पेपर होते ही।